वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये वीडियो में आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा चैनल एमएचटी सिटी के लिए 3 कोर्सेज लॉन्च कर रहा है, कोर्स ए, कोर्स बी, कोर्स सी। ये सारे कोर्सेज आपको हमारे ऐप में मिलेगा, क्रैक एंट्रेंस एग्जाम, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सपोज ए जो है आपका कंप्लीटली स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोर्स है, जिसमें हम आपको पीवाईक्यूज पीडीएफ फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ओके, फ्रॉम 2004 से 2022 तक के, ओके, पीडीएफ विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। प्लस इसमें 24 लेंथ मॉक टेस्ट की एक बुक की पीडीएफ भी रहेगी, उसमें भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। इसका कॉस्ट 300 है। ओके, ये जस्ट हमारा इंट्रोडक्टरी ऑफर है, इसलिए हम आपको 300 में पे कर रहे हैं। आपको कोई और चैनल्स के ऐप मिलेंगे, बट उसमें ये सारे पीडीएफ नहीं मिलेंगे। मिलेंगे भी तो आपको अप टू 2019 तक के मिलेंगे क्वेश्चंस, 2022 तक के नहीं मिलेंगे। ओके, सेकंड कोर्स है हमारा ऑनलाइन मॉक टेस्ट के रिलेटेड, जिसमें आपको 100 प्लस चैप्टर वाइज ग्रुप वाइज ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, अलॉन्ग विथ 10 फुल लेंथ ऑनलाइन मॉक टेस्ट। प्लस आप मॉक टेस्ट का सोल्यूशन भी देख सकते हैं, प्लस आपको एक एनालिसिस रिपोर्ट, रैंकिंग, ये सब भी आपको देखने मिलेगा। इसका कॉस्ट है 350 रुपीज, जो ऐप में डाउनलोड करने के बाद आप एक कोर्स को बाय कर सकते हैं। सिमिलरली कोर्स सी, जो कि जंबो कोर्स है, और ये मैं रिकमेंड करूंगा सबको यही कोर्स बाय करने के लिए, क्योंकि इसमें आपको कोर्स बी और कोर्स ए कम्प्लीटली फ्री हम दे रहे हैं, अलॉन्ग विद लाइव क्लासेस, ओके, जिसमें एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स, आपको सिनॉप्सिस हर चैप्टर का डिस्कस किया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, पीसीएम एंड पीसीबी दोनों ग्रुप के लिए। ओके, ओके, इसका प्लस आपको मेंटरशिप फॉर स्टडी प्लान, बहुत बच्चों का डाउट रहता है कैसे पढ़ाई करें, कौन से चैप्टर्स पहले करें, ओके, एंड एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज, कौन सा कॉलेज अच्छा है, किसने एडमिशन जाना चाहिए आपके रीजन के हिसाब से, पुणे में हो तो कौन सा कॉलेज अच्छा है, मुंबई में हो तो कौन सा कॉलेज है, कैसे स्कोर करें 95%, ओके, ये सब डिस्कस हमारे लाइव क्लासेस वगैरह में होंगे, जिसका कॉस्ट है 999। एक्चुअल कॉस्ट तो बहुत ही ज्यादा है, बट हमारा फर्स्ट टाइम ऐप लॉन्च हुआ है, इसलिए हम आपको मतलब फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ये ऑफर हमने रखे हुए, ओके, और इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं मिला। सो एक क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम प्लस 3। सो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, लिथियम बेरिलियम 4 आता है। इस पे आप देख सकते हैं चार्जेस कितना है, 3 है। सो रेडियस के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, कोई भी एलिमेंट का जो nth ऑर्बिट का रेडियस रहता है उसका फॉर्मूला ये रहता है। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑर्बिट बोला है, मीन्स n इक्वल टू 1। सो जेड का वैल्यू 4 डालना है, एन का वैल्यू 1 डालना है, और ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है कभी भी nth ऑर्बिट के लिए। सो आप यहाँ पे पुट करेंगे, आपको आंसर 13.23 पिकोमीटर, करेक्ट आंसर इज डी। ओके, सो ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए, आपको n एंड जेड रिप्लेस करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन एलिमेंट, ठीक है। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज। सो हाइड्रोजन के पास बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, ओके। सो लिथियम प्लस 2, लिथियम प्लस 2, सो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3 होता है, बट प्लस 2 बोला मतलब 2 इलेक्ट्रॉन माइनस होंगे तो 1, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम प्लस 3, सो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4, प्लस 3 मीन्स माइनस 3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो कितना आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1। हीलियम, हीलियम इज अ एलिमेंट, इट्स एटॉमिक नंबर इज 2, बट इसका कोई चार्ज नहीं है, मीन्स इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। और हीलियम प्लस, हीलियम प्लस, सो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, प्लस 1 बोला मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन निकाला है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स 1। सो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, जो कि सिमिलर है आपका हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के काउंट के बराबर, बट हीलियम 2 के पास नहीं है, सो करेक्ट आंसर इज सी, ओके। सो क्वेश्चन में क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग आइसोटोप्स। सो आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर मन सेम एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, बट डिफरेंट क्या होना होता है इसका, एटॉमिक मास नंबर, और बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट क्या होता है, न्यूट्रॉन नंबर आर डिफरेंट फॉर एलिमेंट्स, ओके, डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर बट सेम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नंबर। सो दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये राइट बोल रहा है, दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये राइट है, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, यस, बिकॉज जो आइसोटोप्स होता है वो सेम एलिमेंट्स के होते हैं। दे ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजिशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये रॉन्ग है, ओके, जैसे कि आपका क्लोरीन है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, बट ये दोनों जो एलिमेंट्स है आपका एक ही जगह पे ऑक्यूपाई करते हैं पीरियोडिक टेबल में, बट इस यहाँ पे कैसे दोनों का एवरेज एटॉमिक मास हम लेंगे कितना लिखते हैं, 30.5, ओके। सो करेक्ट आंसर इज डी, जो कि रॉन्ग बोल रहा है। सो क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग आइसोबार्स। सो आइसोबार्स क्या रहते हैं, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर डिफरेंट एलिमेंट्स, ओके, डिफरेंट एलिमेंट्स है तो ऑब्वियसली दे ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजिशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ओके। सो इनका एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, सेम होता है, ओके, बट आपका क्या डिफरेंट रहता है, एटॉमिक नंबर सर डिफरेंट, ओके, एटॉमिक नंबर क्या होता है इनका, डिफरेंट होता है। सो मैं बाय द डेफिनेशन में आपको दिखा भी देता हूँ,
दे हैव सेम एटॉमिक मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. ओके सो करेक्ट क्या है, दीज आर द सेम एलिमेंट्स. ये ए बी मतलब कि रॉन्ग लिखा हुआ है. दीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, रॉन्ग है क्योंकि एलिमेंट्स डिफरेंट है तो ऑब्वियसली केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगे. दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, सो दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, ये करेक्ट ऑप्शन है. सी दे ऑक्यूपाई सेम पोजिशन पीरियोडिक टेबल, ये रॉन्ग है. सो करेक्ट आंसर इज सी. सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस. सो सिंपल सिंपल प्रॉब्लम है. सो आपको रेडियस का फॉर्मूला निकालने का मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला बताया हुआ है. ओके सो यहाँ पे लिथियम दिया तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3. ओके और आपको फर्स्ट ऑर्बिट बोला हुआ है तो ऑब्वियसली इट इक्वल टू 1. सो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये आप फॉर्मूला ध्यान में रखिए इन जनरल किसी भी एलिमेंट के लिए. सो एन का वैल्यू 1 है, जेड का वैल्यू 3 है. आप यहाँ पे पुट कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा. सो करेक्ट आंसर इज ए. सो ये बहुत रिपीटिंग प्रॉब्लम है इस के टाइप के, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए. ऐसे एनर्जी ऑफ एंथ ऑर्बिट का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है जो बाकी के प्रॉब्लम है. ओके एंड प्लीज डाउनलोड अवर ऐप क्रैक एंट्रेंस एग्जाम. ओके जिसमें आप मोस्टली सीटी के सारे स्टडी मटेरियल्स आपको फ्री में मिलेंगे. ओके सारे रिकॉर्डिंग जो भी है प्रॉब्लम्स की फ्री में है. सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, व्हाट इज द करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. सो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, आपका डेल एक्स डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इंटू अनसर्टेनिटी इंटू मोमेंटम. मोमेंटम क्या होता है, आपका मास इंटू वेलोसिटी. सो मास इज अ कॉन्स्टेंट तो उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं. ओके वो यहाँ पे आ गया. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे मास नहीं दिया बिकॉज मास ने उनको निग्लेक्ट कर दिया, वो कॉन्स्टेंट है. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, सी. ओके आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझा रहेगा. प्लीज डाउनलोड अवर ऐप क्रैक एंट्रेंस एग्जाम जिसमें आप ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग्स फ्री में दे सकते हैं फॉर ऑल सब्जेक्ट. ओके सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स डिसाइड दैट एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन्स. सो इसका करेक्ट आंसर बी है, ये इसका स्टेटमेंट है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का. अबव प्रिंसिपल नहीं होगा बिकॉज अबव प्रिंसिपल टेल्स अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सबसेल्स. ओके हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी नहीं होगा. ओके डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस आपका लाइट के डुअल नेचर के बारे में बात करता है. ओके एंड करेक्ट आंसर इज बी. आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझा रहेगा. प्लीज डाउनलोड अवर ऐप क्रैक एंट्रेंस एग्जाम फ्रॉम द प्ले स्टोर. ओके जहाँ पे आपको ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस की वीडियोस फॉर ऑल सब्जेक्ट्स फ्री में मिलेंगे. ओके थैंक यू. सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डी सबसेल इन प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट इफ इट्स एटॉमिक नंबर इज 24. ओके सो डी सबसेल, सो 24 आपका जो आपने ऑलरेडी पढ़ा रहेगा स्टेबिलिटी रूल्स में. सो आपका जब कोई भी एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉलो 24 एलिमेंट क्या होता है, आर्गन 18, 4s1 3d5. प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो s एंड d में से किस में से निकलेगा, s में से निकलेगा. क्यों, बिकॉज 3d5 है मतलब आपका जो 3d यहाँ पे आपका 5 इलेक्ट्रॉन से पेयर्ड और 4s1 सिंगल. सो इफ आपके d सबसेल में से कोई भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये पूरा जो सबसेल क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, इनकम्प्लीट हो जाएगा. सो यहाँ पे कैसे, इनकम्प्लीट होने से अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. ओके बट इलेक्ट्रॉन आपका 4s में से निकलेगा तो ये कैसे, ये सब ये पूरा सबसेल क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा. सो एम्प्टी हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड सबसेल्स आर और ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल. ओके सो इफ यहाँ से निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन तो ये आपके जैसे कि एक और ये पूरे सबसेल्स में आपका पूरा सबसेल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा. ओके सो 4s1 में से निकलेगा तो ये कैसे रहेगा कि आपका इनकम्प्लीट है. ओके सो ज्यादा प्रायोरिटी जो स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए निकलने का प्रायोरिटी किसका ज्यादा है, ये 4s सबसेल. हेंस करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका 4s में से निकला तो 3d5. सो आपके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स फिर अभी कितने, 5 है ना, तो इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बोला उसने, बी. ओके सो डी सबसेल से निकलता नहीं है इसलिए 5. द टर्म यूज फॉर स्पेसिस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके सो आइसोटोप्स मीन्स होता है सेम नंबर ऑफ व्हाट, सेम नंबर ऑफ एटॉमिक, सेम एटॉमिक नंबर बेसिकली, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स.
isobars are means different atomic mass number, but same atomic mass number but different atomic numbers. ओके आइसोटोन्स क्या होते हैं, इनका दोनों डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, बट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पेसिफिकली जो आपका टर्म है वो क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक. ओके मींस डिफरेंट एलिमेंट्स रहेंगे, उनकी चार्जेस, उनके पास चार्जेस डिफरेंट है, बट जैसे सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, बट प्लस 1 होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 10. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, बट प्लस 2 है मींस दो इलेक्ट्रॉन निकले तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10. एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, पर प्लस 3 बोला तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10. फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इट इज 9. ओके बट इस माइनस 1 है मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, बट कितना हो गया, 10. तो डिफरेंट एलिमेंट्स है, डिफरेंट चार्जेस है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है. जैसे नियॉन क्या है, ये आपका जीरो एलिमेंट है और नोबल गैस एलिमेंट है, बट इसके पास जीरो चार्ज है, बट इसका एटॉमिक नंबर 10 और 10 इलेक्ट्रॉन्स है. So, यहाँ पे ऐसा चार्जेस भी डिफरेंट हो सकते हैं, चार्ज जीरो भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है. हेंस करेक्ट आंसर इज सी. व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 0.1 केजी मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. ओके सो ये जो आपका प्रॉब्लम है डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस से रिलेटेड है, जिसमें लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन मोमेंटम, एंड मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला यूज करना है. एच का वैल्यू दिया है, मास का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, आपको पुट करना है एंड सॉल्व करना है. ओके सो 0.1 इंटू 10 क्या हो गया आपका 1. सो ओवरऑल आपका आंसर क्या आ गया, सी. ओके आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझा रहेगा. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट हमारे ऐप में दी गई है, डाउनलोड अवर ऐप क्रैक एंट्रेंस एग्जाम. ओके सो थैंक यू फॉर